गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 29 फरवरी और मंडे। आज भी अपन चेस्ट ट्रेन करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी मैं बस सर फ्रेश हुआ हूँ, एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। कपड़े निकालते हैं और वेइंग मशीन पे चल के पहले अपना वेट लेते हैं, क्योंकि इसे ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो आपने देखा कि 69 kg एंड 900 ग्राम्स, और कपड़ों में बस एक टावल और ऐसे ही मैं था। और ये है बॉडी कंडीशन, कह सकते हो लाइटिंग थोड़ी अच्छी है और ये फ्रंट से, पर अब शट डाउन लाइट नहीं है। तो मे बी अब से आज से थोड़ा कार्डियो भी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो लोअर एब वाला एरिया है, ये आप देख सकते हो इसके अंदर फैट काफ़ी है, तो इसे भी हटाना है। तो थोड़ा कार्डियो लास्ट में स्टार्ट किया करेंगे, कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट क्या, कम से कम 1-2 किलोमीटर के लिए। तो बॉडी फैट लूज करना है, मसल मास इंक्रीज करना है, ये बड़ा टास्क है। हाइट के हिसाब से अभी भी वेट मुझे काफ़ी कम लगता है, 5'9" पर 69 kg, या कह सकते हो अराउंड 70 kg, क्योंकि वो इंक्रीज होगा इवेंचुअली, कब तक उसी वेट पे रुके रहेंगे। चलो पहले, अभी कुछ भी पानी नहीं पिया है, बॉडी को प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, कम से कम आधे लीटर या उससे ज़्यादा पानी से शुरुआत करते हैं दिन की, क्योंकि बॉडी एक बार अच्छे से वाटर चली जाए। और सुबह सुबह पानी ज़्यादा अमाउंट में, पानी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक आधा लीटर 1 लीटर पानी पीने का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि गट हेल्थ काफ़ी सही होती है, पेट से जुड़ी जो बीमारियाँ होती हैं वो आपको नहीं होंगी। तो सब कुछ स्किप करना बट वाटर को नहीं। ऑलराइट, तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। वैसे अब वार्म अप को भी रूटीन में थोड़ा अच्छे से शामिल करते हैं, वार्म अप के साथ स्ट्रेचिंग, सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बॉडी बहुत रिजिड होती जा रही है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, तो थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं अपन। ऑल राइट, तो फ्लैट बेंच पे अपने आप को ट्रेन किए हुए मुझे लगता है काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो एक वार्म अप सेट लेते हैं इसका 20 kg के साथ। इसके बाद इसको अपन इंक्रीज करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज इसमें 1 रैप्स के लिए ही अपना PR भी देखा जाए बेंच प्रेस में। इसमें तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं शायद बहुत कोशिश करूँ तो 60 kg मैं पुश कर पाऊँ, उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है, लेकिन आज ट्राई कर ही लेते हैं। चलो, और एक चीज़ जो मतलब पिछले वीक में भी मैं बोला था, जब जब मेरी वर्कआउट ख़राब जा रही थी, तो मैं स्लिप को, अच्छी नींद को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था कि मैं अच्छे सोया नहीं, रात को मैंने वेब सीरीज़ देखी या कुछ और भी। भाई, ये सच में इफ़ेक्ट करता है, अगर कि आपकी वर्कआउट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, आप आ रहे हो वर्कआउट करने पर उतने अच्छे से लग नहीं रहे हैं, एक बार अपना स्लीपिंग पैटर्न चेक कर लेना, और चेक कर लेना कि अच्छी नींद मिल रही है कि नहीं। क्वालिटी स्लीप वो रहेगी वो बहुत अच्छा, कह सकते हो प्री वर्कआउट है तुम्हारा। और बाय द टाइम अभी तक मैं ये रियलाइज़ भी कर चुका हूँ, क्योंकि ये तीसरा वीक है अपना जब अपन शूट कर रहे हैं रेगुलरली, और इसमें मैं कॉन्शियस भी हूँ, क्योंकि बस आके अब जिम के अंदर अखाड़ा नहीं लड़ रहा हूँ, तो कॉन्शियस हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है क्या चीज़ मेरे वर्कआउट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और क्या नहीं। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से सो भी। लेट्स गो, जय श्री राम। बहुत दिन बाद फ्लैट बेंच पे आ रहे हैं। चलो चलो, बाय बाय। इजी था, इजी था। वैसे मेन वर्किंग सेट तो अपनी यहीं से स्टार्ट होती है, पर 40 kg के साथ आते हैं और देखते हैं अच्छे से निकलता है कि नहीं। जय श्री राम।
इजी था, थोड़ा सा और वाइड स्वीप लेना चाहिए था, पास में होने की वजह से थोड़ा ट्राइसेप्स पे आ रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस दिन का ट्राइसेप्स लिए हैं और वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ठीक है, इस वेट पर अपन स्ट्रगल करते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले 1 रैप्स निकाल कर माइंड के अंदर ये सेटिस्फेक्शन दें कि यस 60 kg पुश कर सकते हैं। दोस्त खाली हो क्या? आ जाओ आ जाओ, थोड़ा खाओ तो, डर लग रहा है पीछे खड़े रहे गिरा लेंगे अपने ऊपर तो मुंह से फूट जाएगा मेरा। नहीं, हम उठा लेंगे, बस खड़े रहो, अगर कि जहाँ गया हो तहाँ तुम्हारा जरूरत। नमस्कार। ओ60 kg बस, इसमें भी अच्छे रेस नहीं, स्ट्रेंथ की कमी। अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे कि इतने सालों से करने के बाद भी मैं 60 kg क्यों लिफ्ट नहीं कर पाता हूँ। अपनी बॉडी वेट से तो कमी उठाने जा रहा हूँ ना यार। फिर फ्लैट बेंच पे तो अपनी स्ट्रेंथ चेक कर चुके हैं, जो कि आप लोग भी अब देख चुके होंगे, 60 kg भी अच्छे से लगते नहीं है मेरे से। इंक्लाइन पे अब थोड़े लाइट वेट के साथ अच्छे रैप्स को निकालते हैं ताकि चेस्ट अच्छे से हीट हो। अखाड़े वाली जो काम थी वो मैंने कर लिया है, अब थोड़े वॉल्यूम लाने की कोशिश करते हैं। रैप्स निकालने अपने को, बहुत ज्यादा है टारगेट हो रहा है। वीकेंड 5 kg और इंक्रीज किए हैं, इसको भी 12 के लिए हम करते हैं। कुछ कुछ तो हो रहा है, रेस निकालने चक्कर में पड़े हैं, रेस नहीं निकल रहे हैं। और लाइट वेट मारना पड़ेगा क्या? ये भी सलो रिकॉर्ड है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फोन माइक ये भी धोखा देता है। अभी 40 kg ओपन टूट चुकी है और इसकी स्टोरेज फुल हो चुकी थी, वापस अभी सब फाइल्स डिलीट करने पड़े ताकि स्पेस मिले। ये गरीबी है या लापरवाही? हाँ
तक अनंत तक पुश करने की कोशिश करते हैं। वैसे अब खड़े होने पर फील हो रहा था कि यस जस्ट टारगेट हुआ है। सो लेट्स गो। एक और लेते हैं इसका। ये बहुत बड़ा दिक्कत है यार। सब डंबल इधर उधर रखते हैं। ऑल राइट, इसमें वार्म अप सेटअप में लगेगा नहीं क्योंकि उधर ही वार्म अप हो चुकी है। मेन सेट पर आते हैं 20, 25 और 30। वैसे पता है 30 तो निकलने वाला है नहीं, पर इसी को अपना मेन सेट मार के इसी में करते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर 20 के निकलेंगे फिर भी 8 ही अपन लेंगे और सेम ऐसे ही 25 के लिए करेंगे, फिर 30 को शायद एम कर पाए। जय श्री राम। एनर्जी बड़ा भी कम समझ जा रही है। कोशिश करते हैं 8 के लिए बस। हाँ, अच्छे से निकल जाए। जय श्री राम। देनी सी को कहते हैं, कभी 30 निकलेगी कभी 25 भी नहीं। कोशिश करते हैं कि पैक डेक कम से कम अच्छे से निकले। बढ़िया था। थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, अभी 25 केजी बता।
छोटी पर लेते हैं। दस और बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं इसको 8 क्लीन और बिल्कुल फॉर्म में निकालें। पर ये ज़्यादा वेट है तो उम्मीद कुछ खास करना नहीं आप लोग। हाँ खींच सकते थे यार, गलत हुआ। अपन वेट ड्रॉप किए हैं और 20 या 25 kg, 25 kg है। लास्ट रेप्स मतलब लास्ट सेट लेते हैं इसका और ट्राई करेंगे कि ज़्यादा रेप्स के लिए जाए ताकि अच्छे से और हिट होइए। सो हियर वी गो। कट रहा है क्या? ये देखा, पर उधर उतनी देर से वर्कआउट कर रहा था, ये स्थिति नहीं हुई थी। यहाँ मात्र 16 मिनट बस कार्डियो किया और बैंड बज गई। कैसे नहीं कम होगा? देखो 100 कैलोरी, 92 हुआ है, 100 पर अपन ऑफ करेंगे 16 मिनट और 1.5 किलोमीटर। कैसे? बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी से वेट ड्रॉप होगा। देखना 70 टच किए थे ना, मुश्किल से 2 हफ्ते में 68 ना आ जाए अगर डाइट मेंटेन नहीं हुई तो। ओके सी यू।